नमस्कार दोस्तों। अनुपात समानुपात 10वीं ये भाग तीसरा को जानेंगे। 10वीं गणित है, देख लीजिए पूरा वीडियो को। ये बुक से लिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको सरल तरीके से हल करना जानेंगे, आसानी से इसको समझने के लिए जानेंगे दोस्तों। यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5 हो तो ए अनुपात सी ज्ञात कीजिए तथा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसानी से जानने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए, दिया है हल ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5। अब हमको ज्ञात करना है ए अनुपात सी। इसको करना कुछ नहीं है, इसको गुणा कर दीजिए दोस्तों। ये 5 3 15 और 4 2 8, ये ए अनुपात सी बराबर कितना मिला? 8:15। यही है दोस्तों। इस तरह से आसानी से जानिए। और ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी देख लीजिए। ए अनुपात बी दिया गया है 2:3 और बी अनुपात सी है, बी अनुपात सी दिया गया है तो बी के नीचे लिखिए 4 और सी के नीचे 5। इस तरह से अब इसको यहां पर खाली जगह है, यहां पर भर लीजिए इसी को, ये बगल का 3 को, और यहां पर ये 4 को लिख दीजिए। अब बस गुणा कर दीजिए दोस्तों, इसको इससे इस तरह से गुणा कर दीजिए। ये 5 3 15 और 4 3 12 और 4 2 8, इस तरह से सरल विधि से निकाल सकते हैं दोस्तों। हम लिख लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 8:12 और 15:1। यदि यहां पर दोस्तों, यहां पर यदि कटने लायक हो सभी एक ही डिजिट से तो काट सकते हैं, लेकिन यहां पर ये शुद्ध यही होगा दोस्तों। 2 से 2 तो कट जाएगा लेकिन 15 नहीं कटेगा, इसलिए ए अनुपात बी अनुपात सी यही होगा 8:12:15। ये है आंसर दोस्तों। इस तरह से आसानी से जान सकते हैं, इजी तरीका से। और अगला सवाल देखिए, यदि 14:35 समान अनुपात 16:1 एक्स में हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसको आसानी से जानते हैं आप लोग। इसको करना क्या है दोस्तों, इस तरह से यदि निकालना रहे एक्स का मान, ये 14/35 कर दीजिए और समान अनुपात के बाद है, इसे बराबर यहां कर लीजिए और 16/x लिख दीजिए दोस्तों। अब इसको तिर्यक गुणा करना है, तिर्यक गुणा कर लीजिए इस तरह से, ऐसे ये और ऐसे दोस्तों। x 14x होगा, 14x बराबर 16×35। x का मान निकालना है, x बराबर 16×35/, ये 14 ये नीचे, तो 2 7 14, 2 8 16 और 7 1 7, 7 5 35। इस तरह से x बराबर
एक्स बराबर ए 8 × 5, 8 × 5, 8 × 5 = 40, ये है आंसर दोस्तों। इस तरह से बहुत ही आसानी से जान सकते हैं, इजी तरीका से। अब अगला सवाल देखिए, ये बुक से 7वां सवाल लिया गया है, ये 7वां सवाल है। 23, 30, 57 और 78 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष फल फल समानुपाती हो, शेष फल समानुपाती हो। यहां पर हल माना x घटाने पर, इसमें हम x घटाएंगे, प्रत्येक पद से x घटाना है, प्रत्येक ये 23 से x घटाना है, 30 से x घटाना है, और 57 से x घटाना है, और 78 से x घटाना है। इस तरह से देख लीजिए, 23 - x अनुपात कर लीजिए, 30 - x अब समान अनुपात ले लीजिए, 57 - x अनुपात 78 - x, इस तरह से दोस्तों। अब ऊपर जो हल किए हैं उसी तरह कर लीजिए, 23 - x / 30 - x, 30 - x अब बराबर, ये समान अनुपात के बाद बराबर, 57 - x / 78 - x। अब इसको गुणा कर लीजिए, त्रियक गुणा, इस तरह से 78 - x इसके साथ गुणा होगा 23 - x, ये कोष्टक लगा दीजिए। अब बराबर कर लीजिए, 57 - x, ये 57 - x, अब इसको लिखिए 30 - x, इस तरह से। अब 78 × 30, 78 × 23 कीजिए, 78 × 23, अब x × 23 -23x, 23x के साथ गुणा हुआ तो 23x, और -78 पुनः इसके साथ 78x। अब x x का गुणा होगा तो ये माइनस माइनस पहले गुणा कर लीजिए, प्लस होता है x x x ओवर। अब बराबर कर लीजिए, यहां भी इसी तरह गुणा कीजिए, इस 57 × 30 माइनस ये 30x के साथ, 30x हो गया। अब पुनः जो है ये 57x के साथ 57x, अब माइनस माइनस गुणा कीजिए, प्लस और x, ये वर्ग है दोस्तों। इस प्रकार से आसानी से गुणा कर सकते हैं, इजी तरीका से। अब इसको गुणा कर देते हैं दोस्तों, 78 × 23 को गुणा कीजिए, ये 1794 माइनस, इसको इसको जोड़ दीजिए तो -101x होगा, ये धन x वर्ग, इस प्रकार से। अब बराबर 57 × 30, 1794
दस, और 30 और 57 ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो -87x हुआ दोस्तों, प्लस एक्स वर्ग इस प्रकार से। अब इसको हम बराबर के इधर ले आते हैं इस साइड में, तो -101 एक्स, और इसको लिखिए एक्स वर्ग। अब 78 -87x + x वर्ग है, तो यहाँ प्लस हो जाता है, प्लस 87x, अरे माइनस हो जाएगा, -x² बराबर है 1710, 1710, और ये 1794 इधर ले आएंगे तो -1794 इस प्रकार से दोस्तों। यहां देखिए इसको कैंसिल कर दीजिए, ये x² और इसको, ये प्लस है ये माइनस है, इसलिए कैंसिल हो गया दोस्तों। अब इसको घटाइए, 101x और 87x, तो -14x, -14x बराबर, यहां इसको माइनस करेंगे तो -84। अब ये माइनस दोनों तरफ है, इसको कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर दीजिए दोस्तों, इसको दोनों तरफ माइनस है, इसको ये कैंसिल कर दिए, इसको कैंसिल। अब एक्स बराबर 84/14, ये 14×6=84, एक्स बराबर 6, यही आंसर है दोस्तों। इस तरह से आसानी से बना सकते हैं, इजी तरीक़े से जान सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।